अरे कृष्णा, तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कि सुजीत जी हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, आप ही लोग जैसे, तो वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि जनरल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं और एक नॉर्मल स्टूडेंट है और वो एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देखते हैं कि कौन सी दशा चल रही है, प्लैनेट क्या है, तो उनको बहुत चीजें समझ में नहीं आती है। तो उनका ये रिक्वेस्ट था कि वो हमारे साथ कुछ कॉन्वर्सेशन करें और चीजें पूछे जो कि कॉमन पब्लिक पूछनी पूछना चाहती है। तो स्टेज इज योर्स, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। यस थैंक यू सर, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं आपके यस बहुत सारे वीडियोस को मैंने देखा आपके चैनल के माध्यम से। उसमें बहुत सारे कुछ हमको समझ में आई और बहुत सारे चीजें हमको समझ में नहीं आए। हमको लगा कि ये चीज नहीं हो सकता है, तो मैं सोचा कि आपसे ही डायरेक्ट कनेक्ट होकर के मैं कंफर्म कर लूँ या पूछ लूँ, है ना। तो यस बेसिकली मेरा एक एक मेरा ये डाउट था, आईआईटी से पटना से पास आउट है, फिर आप इस क्षेत्र में कैसे आए एस्ट्रोलॉजी की तरफ, जबकि आप टेक्निकल लोग हैं जो कि आप वो जॉब में थे, तो फिर आपको इस तरफ रुझान कैसे हुआ? तो आप अगर जनरली देखोगे ना, तो आईआईटी में जब मैं पढ़ रहा था तो उसी टाइम मेरा एक रुझान जो था वो भगवत गीता की तरफ भी था। तो वहां पे हमारे प्रोफेसर ओके थे, उनके माध्यम से मैंने भगवत गीता पहले सीखी। अराउंड 5 ईयर्स तक मैंने भगवत गीता सीखी, उसमें अच्छे से मैंने भक्ति शास्त्री का कोर्स भी किया। उसके बाद हम एक मतलब कि एक स्पिरिचुअल प्लेस पे रहे भी, मैंने वहां पे ट्रेनिंग भी ली, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन के दौरान ये पता चला था कि स्पिरिचुअलिटी बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर सकती है जिसका आंसर हम नहीं देते। जो प्रेशर पड़ता है वो हमेशा दिमाग पे पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, आपको लोड लेने के लिए कैपेबल बनाती है। उसी तरह एस्ट्रोलॉजी को आप ओके देखोगे तो मेरा एक फ्रेंड था जो कि बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी से अडिक्टेड, मतलब कि जानता था एस्ट्रोलॉजी, लेकिन साथ में वो काफी सारी ऐसी चीजें मेरे बारे में प्रेडिक्ट किया जो कि मैं नहीं जानता था। उससे मुझे इंटरेस्ट आया एस्ट्रोलॉजी में और मैं धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एस्ट्रोलॉजी की। बेसिकली मैं भी स्टंट था जब किसी ने मेरा प्रेडिक्शन किया और चीजें बताई कि यहाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आए होंगे, एंड मैं उसको ले देख के बहुत अमेज था। मुझे लगा कि थोड़ा पढ़ना चाहिए, तब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया एस्ट्रोलॉजी। ओके 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 तो हमको एक पहला पहला चीज जो हमको अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि एक्चुअली ये एस्ट्रोलॉजी होता क्या है, ज्योतिष होता क्या है, हमको अभी तक ये पूरी रूप से समझ नहीं पाए। ये हम समझते हैं, हम बेसिक समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी मतलब कि भविष्य के बारे में बता देना लोगों के से सुने हैं, या हम समझने का जहां तक हमको अंडरस्टैंडिंग है ये। तो आपका इस विषय पे क्या व्यू है कि एस्ट्रोलॉजी होता क्या है ये? तो आप एक क्लियर कट सबसे पहले चीज समझो कि जो हमारी स्काई है ना, जो हमारा आसमान है, उसको 12 भाग ओके में बांटा गया। आप समझ रहे हो, उसको 12 भाग में ओके बारह इसलिए भागे बांटा गया क्योंकि उसका स्पेस डिजाइन किया गया कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, जो ये 12 भाव है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिपेक्ट करते हैं। आप समझ रहे हो ना। अब वहां पे कौन ओके सी राशि राइज हो रही है, ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। तो दो चीजें हैं, एक है ओके स्पेस और दूसरा है टाइम। स्पेस और टाइम को जब हम कंबाइन करते हैं ना, जब उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो उससे एस्ट्रोलॉजी का जन्म होता है। आप समझ रहे हो, ज्योतिष का जन्म होता है। और ये अपरा विद्या है, ये भगवान ने दी है, ये वेदांग का पाठ है। इसमें ऋषियों ने बहुत ज्यादा रिसर्च किया, टाइम को देखा, राशि को देखा, नक्षत्र को देखा और ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किया। तो जब आप धीरे धीरे अंदर जाते हो तो आपको हाउ, व्हाट, व्हाई, क्यों चीजें काम कर रही है, इसका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। तो आप ऐसा समझो कि दो चीजें हैं, एक है स्पेस जो आपका ब्रह्मांड है, मतलब कि सोलर सिस्टम है या फिर ओके आपका स्काई है, और दूसरा है व्हील ऑफ टाइम जो समय बीत रहा है। इन दोनों का जो कनेक्शन ओके था वही स्पिरिचुअलिटी है, सॉरी एस्ट्रोलॉजी है। यस ओके बेसिकली हम जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि ये शायद यही कह रहे कि जो टाइम को पूरा है उसी को 12 भाग में बांटा गया है, हाँ, इस स्पेस तरीके को, से आपको बारह स्पेस घर को, में वो जो कह रहे हैं आप जो स्पेस है स्पेस को उसको जो 12, हाँ 12 भाग में हमको बांटा गया है। और जो टाइम है ना, उससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि उसे स्पेस पे जब इस समय पे ये होता है तो कैसा रिजल्ट आता है, 2 दिन बाद यहाँ पे हाँ क्या आएगा, 1 घंटे बाद इस समय पे क्या आएगा। तो जो प्लैनेट्स और जो नक्षत्र चेंज होते रहते हैं ना, नक्षत्र मतलब कि मून का जो पोजीशन है, उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शन करते हैं, क्योंकि कुछ थ्योरम्स दिए गए हैं जैसे कि बहुत सारे बुक्स में, जैसे कि BPHS है या फिर भृगु सूत्रम है, इनमें इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। ये उस तरह से, यस ओके
तो इसमें हम सुनते हैं कि मंगल होता है, शनि होता है, और ये हम्म, सब शनि भारी हो गया है, मंगल चल रहा है। जैसे हम शनि को नेगेटिव सेंस में हम लोग लेते हैं कि शनि पर चढ़ा दो, तेल चढ़ा दो तो ठीक हो जाएंगे, आपका शनि शांत हो जाएगा। तो ये एक शनि मंगल बुध, ये होता क्या है एक्चुअली? आप देखो कि डिफरेंट डिफरेंट जो प्लैनेट्स है ना, वो व्यक्ति को डिफरेंट डिफरेंट नेचर देता है, आप समझ रहे हो। जैसे कि ओके आप गुरु को देखोगे ना, गुरु वाला जो प्रोमिनेंट वाला व्यक्ति है, उसको फर्क नहीं पड़ता है चीजों से, बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति है और विजडम है उसके पास। गुरु का मतलब एक गोल्ड है, जो व्यक्ति रिएक्ट ना करे, आप समझ रहे हो ना, अपने फोकस पे बना हुआ रहे, जिसको डेली डेली की चीजें करना पसंद नहीं है, जिसका विजन बड़ा है, जो कि उपदेश देता है, ओके गाइडलाइन सेट करता है, एक नियम बनाता है प्रकृति के लिए, एक नियम बनाता है समाज में, वो है गुरु। वहीं अगर शनि को आप देखोगे ना, तो शनि को कर्म का कारक बताया गया है। जैसा भी हम कर्म ओके किए, अच्छा खराब, उसका रिजल्ट जो है वो व्यक्ति को मिलता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ओके शनि अगर किसी का भारी है, इसका मतलब उस व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए हैं जिसके वजह से शनि उसको ऐसा रिजल्ट दे रहे हैं। ओके अगर शनि उसका भारी है तो क्या ऐसा होता है कि उसको जो बुरा बुरा फल मिलता है, या हल्का है तो उसको बढ़िया फल मिलता है? आप ऐसा समझो कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स हैं ना, वो आपको टेस्ट करते हैं। शनि जो है वो आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं, कि आप कितना एंड्योरेंस बिलीव करते हो, आपके अंदर बिलीव सिस्टम कितना है। जब चीजें ऑड जा रही हाँ हो, आपके फेवर में नहीं जा रही हो, तब आप कैसे रिएक्ट करते ओके हो, ये एक्चुअली में शनि बताती है कुंडली में, इसीलिए लोग इससे डरते हैं। और मंगल जो है सो ये इसका क्या रोल है? जैसे कि बहुत सारे लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग डिफेंस का तैयारी करते हैं, फिर कुछ लोग एनडीए का तैयारी करते हैं, कुछ लोग फोर्स में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं। पुलिस वाला थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन ये जो डिफेंस वाला जितना भी सेक्टर आप देखते हो, उसके लिए मंगल बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए। फिर आप कंपनीज में देखते हो मैनेजर्स को, जो कि वर्कफोर्स को मैनेज करते हैं, जो कि चीजों को मैनेज करते हैं, जिनके पास अथॉरिटी होती है, उसके लिए हम मंगल को देखते हैं। ओके उसी तो तरह या से इसका जिसका मंगल मंगल जिसका ज्यादा अच्छा रहेगा उसको क्या, उसको ज्यादा डिफेंस में वो ज्यादा बढ़िया रहेगा? यस, उसको ज्यादा सपोर्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे अदर प्लैनेट्स का भी रोल होता है। जैसे कि आप जानते हो कि एक बैटल फील्ड, जो हमारा हमारा आप लाइफ देखोगे ना, तो लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर है। जैसे कि पहला आपका पर्सनालिटी, कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, दूसरा आपका परिवार, ओके आप बोलते कैसे हो, आपकी लीनियज कैसी है, थर्ड हाउस जो है वो आपकी हॉबी है, आप समझ रहे हो, थर्ड हाउस है हॉबी, स्किल सेट, अभाग्य का घर है, कि आप जितना मेहनत करोगे उतना रिजल्ट आपको देगा। फोर्थ हाउस जो है माता है, ओके घर है, कि आप कैसा बिलीव करते हो। फिफ्थ हाउस को देखोगे तो आपका एजुकेशन है, आपके पूर्व पुण्य है, समाज है, समाज के साथ आप कैसा इंटरेक्शन करते हो। सिक्स हाउस जो है वो डेप्थ है, सरकारी नौकरी है, आपका वर्कफोर्स है, वो सिक्स हाउस है। सेवेंथ हाउस जो है वो पार्टनर है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस आपको दिख रहे हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हाँ लाइफ को कवर करता है, आप समझ रहे हो ना। अगर किसी का मंगल ओके प्रोमिनेंट ओके है, तो व्यक्ति के अंदर वो चीजें दिखेंगी। यस, ओके 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 तो क्या एक आम आदमी को मतलब कि एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो कब जाना चाहिए, तो आप ऐसा समझो कि किस समय तक? एस्ट्रोलॉजी, हाँ एस्ट्रोलॉजी इतनी तो व्यक्ति को आनी ही चाहिए, जिससे वो अपना डिसीजन मेकिंग ले सके, आप समझ रहे हो ना, आप अपने कॉल को समझ ओके सके हो। आपका इससे अगर समय खराब चल रहा हो, चीजें कर काम नहीं कर रही हो, लक साथ नहीं दे रहा हो, भाग्य का सपोर्ट नहीं हो, ये फेजेस हमको पता होनी चाहिए। क्योंकि आज के समय में आप देखोगे ना, थोड़ा सा सेटबैक व्यक्ति को मिलता है और व्यक्ति क्या करता है कि वो सुसाइड का अटेम्प्ट करने लगता है। व्यक्ति जो है वो देखने लगता है कि मतलब किसी से काम नहीं कर रही है मेरे लाइफ में, मेरे लाइफ का पर्पस नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि ये एक फेज है, ये निकल जाएगा, इसके बाद दूसरा फेज आएगा आपके लाइफ में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि केतु का महादशा किसी का चलता है, उस केस में व्यक्ति पूरा अकेला हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता, व्यक्ति को बहुत घबराहट होती है, हर समय ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे साथ नहीं है। वही राहु अगर होता है, तो व्यक्ति एडिक्शंस में, पॉर्न में, या फिर जो आप गलत चीजें देखते हो, अल्कोहल में, उसके तरफ व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक खिंचाव होता है, आप समझ रहे हो ना, वो समय आपको टेस्ट कर रही है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं लाइफ के, वो जब आप समझते हो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके अंदर एक पेशेंस आ जाता है, और दूसरा आपको समझ में आता है कि इस समय में क्या मिलने का उम्मीद है मेरे लाइफ में। यस, ओके तो क्या है यह एक स्टूडेंट के जीवन में भी एक कारगर मतलब हो सकता है कि ताकि वो अपना भविष्य के बारे में जान सके कि या तो किस क्षेत्र में उसको
बढ़ना चाहिए, अपना नेचर को पहचान सके, जिसके अनुसार वो आगे बढ़े, कि बिजनेस करे या या सरकारी जॉब में जाए या एक्टिंग में समझ रहा जाए हूँ। या किसी क्षेत्र में जाए, तो अपना नेचर के अकॉर्डिंग पहचान सकता है, एस्ट्रोलॉजी उसको सहायता प्रदान कर सकता है क्या इसमें? वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। आप ऐसा समझो कि कुछ लोग 10 साल दे रहे हैं, 22 साल में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, 32 साल तक प्रिपरेशन किया गवर्नमेंट जॉब का, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। हाँ अब वो व्यक्ति पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसने बहुत बड़ा पोर्शन अपने लाइफ को गवर्नमेंट जॉब को दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अच्छा टाइम दिया, मिला क्या मेरे को, आउटपुट क्या मिला, क्या सीखा मैंने, सोसाइटी के बारे में सीखा, क्या सीखा, ऐसी कौन सी स्किल सेट मैंने डेवलप की जो मेरे को लाइफ में हेल्प कर सकती है। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हो ना, आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हो कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कौन सी चीजें आपको सीखनी चाहिए, आप जो चीजें सीख रहे हो क्या उसका इम्पैक्ट है लाइफ में, क्या उसका यूटिलाइजेशन है, अगर आपको चीजें ना मिली तो क्या प्लान बी है। तो ये जो जितनी भी चीजें एक स्टूडेंट लाइफ में आपको चाहिए होती है वो चीजें आपको पता चलती है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। क्योंकि मैं हमेशा अपनी कंसल्टेशन में ये रेफर करता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बहुत समय से अगर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा है तो कुछ कुछ समय निकाल के, 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल के अपने स्किल सेट पे वर्क करे। और स्किल सेट कैसा होगा ये हम थर्ड हाउस से देख सकते हैं, व्यक्ति के नेचर से देख सकते हैं। ओके तो ये आप बेसिकली कह रहे हैं कि स्टूडेंट के लिए भी वो देख सकते हैं कि अगर वो बहुत दिन से है और मेहनत कर रहा है तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है या फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको देखना चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम और एक्स्ट्रा स्किल्स को अपने अंदर अडॉप्ट करे और उसमें आगे बढ़ने का भी प्रयास करे क्या? यही बात है ना? ओके, अगर तो अगला क्वेश्चन मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं है कि ये सही में काम करता है ये नहीं करता है, हमारे जीवन में काम आएगा नहीं आएगा, तो कैसे हम विश्वास कर सकते हैं कि बोल के हाँ हमारे जीवन में सही बता रहा है कि आगे जो बताएगा एस्ट्रोलॉजी वो सही होगा या ये सही हमारे जीवन का डिसीजन बताएगा? तो इसको हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग से हम देखते हैं। आप देख सकते हो कि हमेशा ऐसा देखते हैं कि पास्ट में सही बताया है क्या। आप जैसे कि मान लो कोई 22 साल का है तो क्या 16 साल पे सही बताया क्या, 17 साल पे जो टाइम पीरियड चल रहा था वो सही बताया क्या। तो जब आप इस तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग में जाते हो और चीजें सही दिखती हैं तब आपका फेथ डेवलप होता है प्रोसेस पे। और दूसरा है कि आपको जेन्युइनली मतलब कि जेन्युइन देखना पड़ेगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं मार्केट में जो कि पढ़ते नहीं है, जिनका बुक से कोई कनेक्शन नहीं है, जो इसको गलत तरीके से यूटिलाइज करते, क्योंकि ज्योतिष जो है वो अपरा विद्या है। आप समझ रहे हो ना, अपरा विद्या का मतलब है कि ये विद्या जो है वो हम अपने लाइफ के चैलेंजेस को, कर्म को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब वो चीजें हमको पता होती है, जब उन चीजों को हमने देखा है अपने लाइफ में, तो हम समझ सकते हैं कि इस लाइफ को कैसे सक्सेसफुल करना है। तो ये एक सपोर्ट की तरह है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका बिजनेस करने लगते हैं जिसकी वजह से कॉमन पब्लिक को डिफिकल्टी आती है। ओके, तो थैंक यू उज्जवल जी, हमारा तो बहुत सारा क्वेश्चन था लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है तो हम थोड़ा आज क्वेश्चन लिए हैं, 2-4 क्वेश्चन, फिर हम देखेंगे थैंक यू। आपसे कुछ कुछ दिन के बाद समय लें, हो सकता है मिल जाए आपसे, तो फिर हम दोबारा इंटरेक्शन आपसे करेंगे और हमारे अंदर और सारे जो डाउट्स आएंगे उसको हम फिर से हम पूछने का प्रयास करेंगे आपसे। थैंक थैंक यू यू सो मच, इतना थैंक यू समय सो मच, देने के लिए। इट वाज रियली नाइस। थैंक यू। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।